आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या एक है, निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। यहां दो प्रश्न है, ए और बी, और यहां एक सारणी बना हुआ है, स्थानीय मान सारणी। तो ए नंबर हम देखते हैं, यहां दहाई कितना है, एक है, तो यहां पर हम लिखते हैं दहाई के जगह पर एक। इकाई ये भी एक है, और दशांश ये भी एक है, तो संख्या क्या हो गया, 11.1। अब बी नंबर देख रहे हैं, यहां भी दहाई एक है, ये दहाई हो गया एक। अब इकाई यहां नहीं है, बिल्कुल इकाई नहीं है, तो कितना हो गया इकाई, शून्य। और दशांश 1, 2, 3, 4, 5, तो दशांश हो गया 5। तो ये हमारा संख्या क्या हो गया, 10.5। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। पहला नंबर है 17.5। तो हम यहां देख रहे हैं कि एक है, दहाई में कितना है, एक, दहाई में एक हो गया। इकाई में कितना है, 7, और दशांश में 5। यह हमारा संख्या था 17.5। दूसरा है 20.4। तो यहां दहाई में 2 है, ये दहाई में 2, और इकाई में 0, और ये दशांश में 4। तीसरा है 5.8। तो यहां सिर्फ इकाई है और दशांश है, तो इकाई में हमने लिखा 5 और दशांश में 8। चौथा है 0.3, सिर्फ दशांश में है, तो ये यहां पर आ गया दशांश। पांचवा नंबर है 124.5। तो यहां देख रहे हैं सैकड़े में एक है, इसे थोड़ा सा साफ लिखना होगा, सैकड़े में एक है, और दहाई में 2, इकाई में 4, और दशांश में 5। तो ये हमारा स्थानीय मान सारणी हो गया, स्थानीय मान सारणी। तो ये हमने स्थानीय मान सारणी में ये दी गई संख्याओं को लिख दिया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है 5/10। तो यहां चूंकि दशांश सिर्फ 5 है, इसलिए ये हमारा हो गया 0.5। दूसरा है 4 जोड़ 2/10, तो ये तो 4 ही रहेगा, और ये 2/10 यानी दशांश में 2 है, तो ये हो गया 0.2। तो ये हो जाएगा हमारा 4.2। अब यहां देख रहे हैं 50 जोड़ 3 जोड़ 1/5, तो ये 1/5 को हम ये आधार को यानी हर को सॉरी ये हर को हम 10 बनाएंगे, तो इसके लिए हमें 2 से गुणा करना होगा, और यहां भी अंश को भी, तो 2/10। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 50 और 3 53 जोड़ 1/5 की जगह लिखेंगे 2/10, यानी 53 जोड़ 0.2, अर्थात 53.2। अब यहां है 28/10, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.8/10, अर्थात 2 जोड़ 8/10,
तो दो जोड़ 8/10 यानी 0.8, तो ये हो गया 2.8। अब यहां देख रहे हैं 4 जोड़ 1/5 को अभी हमने बदला था 2/10 में, तो ये हो गया 2/10, तो ये हो गया 4 जोड़ 0.2 यानी 4.2। और यहां है 27 और 5 32 जोड़ 5/100, ये 5 यहां शतांश में है, तो ये हो जाएगा 0.05 यानी ये हो गया 32.05। और यहां है 42 जोड़ 0.6 यानी 42.6। अब हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, चौथा प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो पहला है 5 इकाई, तो ये इकाई में 5 है और दशमलव की बात कुछ नहीं है, दशांश शतांश कुछ नहीं है, तो ये 5.0। 2 दशांश, तो यहां पूर्ण संख्या कुछ नहीं है और दशांश में है, तो ये 0.2। ये है तीसरा 405.8, तो ये हो गया 405.8। चौथा है 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश, तो 5 दहाई 6 इकाई और दशांश 7 है यानी 0.7। ये है 203 इकाई और 6 दशांश, 200 दहाई में क्या है, कुछ नहीं है तो यानी 0 है, और इकाई में 3.6। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। पहला है 2.5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 25/10। इसका जो शॉर्टकट तरीका है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, हर में एक के बाद हम उतने शून्य देते हैं, तो यहां दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहां हमने एक के बाद एक शून्य दिया। आप देख रहे हैं कि ये हमारा कटेगा 5 से, तो ये 5 × 25 और 5 × 10, तो ये हमारा सरलतम रूप में आ गया। अब 1.8, ठीक इसी तरह से हम इसे 18/10 लिखेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 2 × 18 ये 5, 2 × 10 यानी 9/5। ठीक इसी तरह से ये 84/10, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 5। अब ये देख रहे हैं 0.72, तो ये हमने लिखा 72 और बटा में एक पर उतने ही शून्य होंगे जितने दशमलव के बाद अंक हैं, तो दशमलव के बाद यहां 2 अंक हैं, 1, 2, तो यहां पर 2 शून्य होंगे। अब इसे हम काटते हैं, तो कितने से काट सकते हैं आप देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी ले सकते हैं हम, इसको 4 से काटते हैं, 4 × 4 और 32 × 4 = 32, और ये 4 से 25, तो ये आ गया हमारा 18/25। इसे हम उसी तरह से लिखेंगे 156/10, ये 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 1 बच गया, 16 × 2 = 16, और ये 10 कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 5 यानी 78/5। इसको और हम सरलतम नहीं कर सकते हैं। ये है 23.8 यानी
238 बटे 10। इसे भी हम दो से काटते हैं, दो एका दो, दो एका दो, ये 18, दो नवा 18, और ये 10 को दो पचे 10, यानी 119 बटे 5। ये हो जाएगा 110.5 था, तो ये 1005 और बटा 10। तो इसे हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ये 0, 5 का 5, और ये 5 दूनी 10, यानी 201 बटा 2। इसे और हम सरलतम रूप नहीं कर सकते हैं। आठवां नंबर है, ये 122.3 है, तो ये हो गया 1223 बटा 10। इसका कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये सरलतम रूप में है, इसे और हम सरलतम रूप में नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। यहां चार प्रश्न है, मैं इसका पहला प्रश्न हल कर रहा हूं, 0.9। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है 0.9 को। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, फिर यहां 0 से लेकर ये 1, ये 0 है, ये 1 है, इस बीच की दूरी को हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक भाग ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें दिखाना है 0.9, यानी 9 दशांश। तो ये हमारा 1 दशांश हो गया, मतलब 10 का एक हिस्सा हो गया, ये 2 दशांश, ये 3 दशांश, ये 4, ये 5 दशांश, ये 6 दशांश, ये 7 दशांश, ये 8 दशांश और ये 9 दशांश, यानी 9/10, 10 का 9 भाग, और इसी को हम लिखेंगे 0.9। तो ये बिंदु हमारा हो गया 0.9। ठीक इसी तरह से हम दूसरा नंबर भी बनाएंगे, और तीसरा और चौथा नंबर। तो दूसरे नंबर में हम देखेंगे कि एक के और दो के बीच हम ये एक और दो के बीच वाले भाग को हम 10 बराबर भागों में बांट के ये 7 दशांश लेंगे। इसी तरह से ये 2 से 3 के बीच में लेंगे, और ये 3 से 4 के बीच ये संख्या होगी। अब प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित P, Q, R और S बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो हम देख रहे हैं कि ये 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और 1 से 2 के बीच की दूरी को भी 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये कौन सा भाग हो जा रहा है, कौन सा दशांश, मतलब कौन सा दसवां हिस्सा है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 दशांश है, यानी 0.5, ये पी नंबर। अब यहां देख रहे हैं ये 1 तो है ही, और 1 के बाद ये 3 दशांश है, यानी ये क्यू हो गया 1.3, 1, 2, 3। अब ये यहां से कहते 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 1.6, ये आर बिंदु, और ये 7, 8, तो ये हो जाएगा 1.8। तो ये दी गई चारों बिंदु का दशमलव संख्या हमारे यहां पर आ गया है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित दशमलव संख्या रेखा पर किन पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित है, तथा दिया हुआ दशमलव संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक निकट है? तो ये इसमें 8 प्रश्न है, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं बताता चल रहा हूं। पहला है 0.3, तो ये 0 और 1 के बीच होगा, और ये 0 के निकट होगा।
दूसरा है 4.2। यह 4 और 5 के बीच होगा और 4 के निकट होगा। ये निकटता हम देख रहे हैं ये दशांश के अनुसार। अगर 5 से कम है तो वो जो पहली वाली संख्या है उसके नजदीक होगा, और 5 से अधिक होगा तो वो जो अगली संख्या है उसके नजदीक होगा। प्रश्न संख्या 3, ये 7 और 8 के बीच होगा और 7 के अधिक निकट होगा। प्रश्न संख्या 6, ये 3 और 4 के बीच होगा और 4 के अधिक निकट होगा। प्रश्न संख्या 5, ये 8 और 9 के बीच होगा और 8 के अधिक निकट होगा। प्रश्न संख्या 6, ये 5 और 6 के बीच होगा और 6 के अधिक निकट होगा। प्रश्न संख्या 7, ये 15 और 16 के बीच होगा और 16 के अधिक निकट होगा। प्रश्न संख्या 8, ये 18 और 19 के बीच होगा और 19 के अधिक निकट होगा। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा।